नमकीन सेवई उपमा। अगर आप वही एक जैसा नाश्ता खा के तंग आ गए हैं तो आप एक बार यह नमकीन सेवइयाँ जरूर बनाएं। वैसे तो सेवइयाँ की खीर बनाई जाती है, लेकिन आज हम सेवइयाँ का नमकीन नाश्ता बनाएंगे, बिल्कुल चाइनीज फ्लेवर में। जब इसे आप खा लेंगे तो आप चाउमीन खाना भूल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सामग्री के साथ इसे बनाना। नमकीन सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले सेवइयाँ को उबालेंगे। उसे उबालने के लिए एक बड़े बर्तन में मध्यम आंच पे मैंने यहाँ पे 2 बड़े गिलास पानी डाला है और पानी को उबलने के लिए गैस पर रखे हैं। पानी में जब अच्छी तरह से उबाल आने लगेगा फिर इसमें सेवइयाँ को डालेंगे। पानी में उबाल आने से पहले इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून हो गया, और 1 टेबल स्पून और डालेंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और पानी को अच्छी तरह से उबलने देंगे। पानी में हमारा उबाल आ चुका है और इसमें मैं 1 कप सेवइयाँ डाल रही हूँ और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक उबलने देंगे। बीच में 1-2 बार इसे हम चला भी देंगे कलछी से। सेवइयाँ को नरम होने तक उबालेंगे, इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, इसे उबालने में 2 से 3 मिनट का टाइम काफ़ी है। सेवइयाँ को उबलते हुए इसे आप चम्मच या कलछी की मदद से बीच बीच में चलाते रहें जिससे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखिए हमारा जो सेवइयाँ है वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया है बंद और छन्नी की मदद से सेवइयाँ को छान लेंगे फटाफट। अगर फटाफट नहीं छानेंगे तो गर्म पानी में रहने के कारण सेवइयाँ हमारी और ज़्यादा पक जाएगी और हमारी सेवइयाँ बनाने के बाद खिली खिली नहीं बनेगी। ये देखिए मैंने छन्नी में सारी सेवइयाँ को डाल दिया है जिससे कि गर्म पानी जो है वो बाहर छन के निकल जाएगा और सेवइयाँ ऊपर रह जाएगी। उबले हुए सेवइयाँ में जो अतिरिक्त चिपचिपाहट है उसे निकालने के लिए इसके ऊपर 1 से 2 कप पानी डालेंगे जिससे कि सेवइयाँ में जो चिपचिपाहट है वो निकल जाए और हमारी सेवइयाँ बनाने के बाद खिली खिली बने। यहाँ पे मैं ठंडे पानी का यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा ठंडा पानी डाल रही हूँ, लगभग 1-2 गिलास। उबले हुए सेवई के ऊपर ठंडे पानी डालने से इसमें जो भी स्टार्च होते हैं वो निकल जाते हैं और सेवई हमारी बनने के बाद खिली खिली बनती है। सेवइयाँ को हमने पानी से धो के स्टार्च निकाल लिया है, अब इसे ठंडा होने देंगे कुछ देर और इसे फ्राई करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। सेवई में मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं, शिमला मिर्च 1 मीडियम साइज़ का जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 1 कटोरी बीन्स जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है बारीक, और 2 मीडियम साइज़ का प्याज इसे भी मैंने काट लिया है लंबे लंबे साइज़ में, 2 गाजर, 2 हरी मिर्च। अब फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। यहाँ पे मैं रिफाइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सरसों तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें कटे हुए प्याज को डालेंगे, साथ ही हरी मिर्च भी डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय गैस का फ्लेम अभी मीडियम रखेंगे। प्याज को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और प्याज भी जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और इसमें मैं 1 कटोरी बारीक कटा हुआ बीन्स ऐड कर रही हूँ और इसे भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय हमें ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम रहे, वरना हमारी सब्जियाँ जो हैं वो जल जाएगी और पकेगी भी नहीं। आप इसमें अपनी मनचाही पसंद की कुछ और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाजर भी ऐड किया है 1 कटोरी जिसे मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है, 1 कटोरी शिमला मिर्च ऐड किया है और इन सारी सब्जियों को हाफ फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और हमारी सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएगी। फ्राई करते समय यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट और फ्राई करेंगे। हमारी सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी है, हमारी सब्जी जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और इसे फ्राई करने में हमें 3 मिनट का समय लगा है। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हमने जो सेवइयाँ उबाल के ठंडा होने के लिए रखा था उसे इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए हमने जो सेवइयाँ ठंडा होने के लिए रखा था ये ठंडा हो चुका है और कितना खिला खिला है, और इसे मैं फ्राई किए हुए सब्जी में ऐड कर रही हूँ।
यहाँ पे मैं मसाले नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे चाइनीज़ फ्लेवर में बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं सोया सॉस, टमाटर सॉस और चिली सॉस का इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं सब्जियों को अच्छी तरह से सेवियाँ में मिक्स कर लूँगी। सेवियाँ सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ये यहाँ पे मैंने सोया सॉस लिया और इसमें डाल देंगे। अभी यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। जब सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे फिर हम इसका फ्लेम फुल रखेंगे। ये मैं 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम तेज रखा है क्योंकि कोई भी चाइनीज़ डिश हाई फ्लेम पे ही बनता है, तभी टेस्ट आता है। ये देखिए यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ और इसे ऐड करने के बाद भी 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे जो मैंने टोमेटो सॉस ऐड किया है वो घर का बना हुआ है और इसकी रेसिपी मैं यूट्यूब पे डाल रखी हूँ। आप इसका लिंक चाहे तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। नमकीन सेवियाँ को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि सेवियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब ये हमारा जो चाइनीज़ फ्लेवर में जो सेवियाँ है वो बन के तैयार है, अब इसे हम सर्व करेंगे। नमकीन सेवियाँ की ये डिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। सेवियाँ बहुत ही सेहतमंद भी होती है और चाउमीन नूडल्स की अपेक्षा इस चाउमीन नूडल्स के समय में अपनी पुरानी और देसी अंदाज वाली सेवई चाउमीन या नमकीन सेवियाँ हमारी बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।